नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। दोस्तों, सलमान खान का शो बिग बॉस इतना बड़ा रियलिटी शो है कि इसके बारे में इससे बहुत पहले ही शुरू होने से बहुत पहले ही बातचीत, क्यास, अंदाजे शुरू हो जाते हैं। बिग बॉस मराठी जैसे ही खत्म हुआ, तैसे ही बिग बॉस हिंदी की भी बातचीत शुरू होगी कि कौन शामिल होंगे, कैसा होगा, क्या फॉर्मेट होगा, ये सब बातचीत। लेकिन इसके साथ ही तरह तरह की वीडियोज बननी शुरू हो जाती है, कुछ मनगढ़ंत, कुछ सच्ची, कुछ अंदाजों के आधार पे। तो एक जो सेलिब्रिटीज की लिस्ट के बारे में था कि ये लोग बिग बॉस में शामिल हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि जिनके बारे में ये है फाइनल लिस्ट। तो वो वीडियोस की मैं आपको स्टोरी जो है उनकी सच्चाई के बारे में आज बात करूंगा। तो पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। दोस्तों, ये जो लिस्टें पीछे रिलीज हुई कि ये है फाइनल लिस्ट कि ये बंदे बिग बॉस घर में आने के लिए लॉक हो गए हैं, तो जहां तक तो ये लिस्टें थी कि ये बंदों से बिग बॉस ने अप्रोच किया है ये बंदों को बिग बॉस में आने के लिए, वो बात अलग है क्योंकि बिग बॉस हर बार लगभग 40 से 50 लोगों को अप्रोच करते हैं बिग बॉस में आने के लिए। कई लोग आते हैं, कई लोग नहीं आते, और कई लोगों को बाद में सिलेक्ट भी नहीं किया जाता है, ऐसी चीजें होती है। लेकिन बिग बॉस का ये रूल है, उनका एग्रीमेंट भी में भी ये बात होती है कि जो सेलिब्रिटीज हैं या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो बिग बॉस की सीक्रेट बातें रिवील नहीं करेंगे। वो अपनी तरफ से जब तक बिग बॉस वाले नहीं कहेंगे तब तक ये नहीं बताएंगे कि मैं बिग बॉस में जा रहा हूं, तभी इसीलिए बहुत सारे लोगों का आपको अचानक से पता चलता है। तो ये चीजें अगर रिवील होंगी भी तो बिग बॉस से कम एक हफ्ता 10 दिन पहले होंगी, इतनी पहले जो चीज है अंदाजे लगा के अब ये हो गया है फाइनल बिग बॉस में। और ऐसे ही आपने देखा होगा कि गुरमीत चौधरी, उसकी पत्नी, उनकी पत्नी गुरमीत चौधरी की, और साथ में कॉमेडियन सिद्धार्थ, मिलिंद सोमन और उनकी पत्नी की बहुत चर्चा थी। और आपने देखा कि इन लोगों ने साफ तौर पे अपने ट्विटर पे, अपने अकाउंट्स पे ये चीजें मना कर दी है कि हम लोग बिग बॉस में नहीं आ रहे, भैया ये कौन हमारे बारे में खबरें उड़ाता है। तो ये खबरें कौन उड़ाता है ये सच में पता नहीं चल पाया, क्योंकि सिद्धार्थ भी, जैसे सिद्धार्थ जो है सोनी का कॉमेडी शो कर रहे हैं तो वो भी, उनका भी आना शो में बहुत मुश्किल है, मतलब मुश्किल क्या, असंभव है। और जो गुरमीत चौधरी और सिद्धार्थ अपने मिलिंद सोमन ने तो खुद से मना कर दिया है। तो ये जो लिस्ट है ये टोटल फेक लिस्टें हैं, ये मनगढ़ंत है कि उन लोगों से कॉन्टेक्ट किया। जैसे कई सालों से ये सुनता आ रहा हूं मैं कि निया शर्मा आ रही है बिग बॉस में, लेकिन निया शर्मा आज तक नहीं आई है ना, तो हर बार उनका नाम साथ में जुड़ता है। तो बिग बॉस ने जब फाइनल हम देखते हैं तो आ कोई और ही जाते हैं। तो ये जो लिस्टें हैं ये, इसके लिए हमको सब्र करना पड़ेगा। बिग बॉस 16 से कम 16 सितंबर से जो बिग बॉस 12 शुरू होने जा रहा है, तो कम से कम 7-8-10 सितंबर तक हमको सब्र करना चाहिए पड़ेगा फाइनल कॉन्टेस्टेंट के बारे में जानने का। तब तक हम अंदाजे ही लगा सकते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो हंगरी स्पिरिट्स चैनल आपको सही सही खबरें देता रहेगा, आप देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।